योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री कह रहे हैं कि वादा तो टूट जाता है। क्या है इस वायरल हो रहे वीडियो की हकीकत, देखिए पड़ताल करती वायरल एक्सरे की यह रिपोर्ट। योगी सरकार के मंत्री के वादा टूटने वाले वीडियो का वायरल एक्सरे। योगी सरकार के मंत्री ने कहा वादे तो टूट जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं योगी के मंत्री? वादा तो टूट जाता है। किस वादे की कर रहे हैं बात? किस वादे के टूटने की बात कर रहे हैं सुरेश राणा? वादा तो टूट जाता है। जी हां, इस वीडियो से जुड़े पोस्ट इन दिनों खूब शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दावा हो रहा है कि योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वादों का क्या, वादा तो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है, इस वीडियो को लोग बीजेपी के चुनावी वादों से जोड़ रहे हैं। कोई इसे यूपी के किसानों के साथ चुनावों से पहले वे वादे बता रहा है, कोई कह रहा है कि बीजेपी कर्ज माफी के वादे से मुकर गई। सुरेश राणा गन्ना विकास मंत्री हैं, लिहाजा कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि गन्ना मंत्री जीतने के बाद अपने वादे भूल गए और अब वो माफी मांग रहे हैं। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद नीना थापा ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये सच है, बेवकूफ तो वो लोग हैं जो झांसे में आ जाते हैं। तो फैसल अहमद ने भी नीना थापा की कमेंट से सहमति जताई है। मतलब इसे पढ़कर या देखकर लोग योगी सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। हमने तेजी से वायरल हो रहे इस पोस्ट और मैसेज की पड़ताल शुरू की। क्योंकि पोस्ट को यूपी सरकार के मंत्री का बताया गया था, मतलब यह साफ था कि यह पोस्ट सुरेश राणा के मंत्री बनने के बाद का है। अब हमने ये पता लगाया कि सुरेश राणा हाल में कौन से कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी पड़ताल के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि सुरेश राणा शामली में हुए कार्यक्रम में पहुंचे थे। हमारे शामली संवाददाता इस वायरल मैसेज की पड़ताल में जुट गए। गन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री सुरेश राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सुरेश राणा चुनाव में किए गए वायदों पर वायदों के टूट जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हमें पता चला कि दो दिन पहले शामली कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक हुई थी और सुरेश राणा उसमें मौजूद थे। गन्ना किसानों को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को इस दौरान कई निर्देश दिए। हमारी पड़ताल में ये भी जानकारी मिली कि ये वीडियो इसी समीक्षा बैठक के दौरान का है। पड़ताल के दौरान ही हमारे हाथ इस समीक्षा बैठक के कुछ और वीडियो लगे। हमने सारे वीडियो की जाँच शुरू की और सच जल्द ही सामने आ गया। दरअसल इस समीक्षा बैठक के बाद एक पत्रकार ने सुरेश राणा से सवाल पूछा था कि किसान जब मिल में गन्ना लेकर पहुंचेगा तभी उसको उसके चेक का भुगतान कर दिया जाएगा, इस पर कब से अमल हो पाएगा? मंत्री ने जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि हमने संकल्प लिया है, वादा तो टूट जाता है, हमने संकल्प किया है, संकल्प पत्र दिया है। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। वादा किया था कि किसान जब मिल में गन्ना लेकर पहुंचेगा तभी उसको चेक दे दिया जाएगा, ये इस पर कब से अमल हो पाएगा? हमने जो वादा किया था, पहली बात तो ये है, हमने संकल्प किया है जी, वादा तो टूट जाता है जी, हमने संकल्प किया है, संकल्प पत्र दिया है, संकल्प पत्र में जो भी बातें कही है उन सारी बातों को लेकर के सरकार क्रमबद्ध चरणबद्ध चल रही है। और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अति शीघ्र आपको लगेगा कि संकल्प पत्र में जो भी कहा गया है वो अक्सर से सारी चीजें पूरी होंगी। दरअसल वीडियो में हमने देखा कि मंत्री सुरेश राणा के बयान का सिर्फ एक छोटा सा अंश भर सोशल साइट पर देखा और दिखाया जा रहा है। वादा तो टूट जाता है। दरअसल इस वीडियो में मंत्री ये साफ कह रहे हैं कि हमने संकल्प लिया है और इसे जरूर पूरा करेंगे। जब हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की तो यह वीडियो पूरी तरह से गलत यानी झूठा पाया गया। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दरअसल वो वीडियो पूरा नहीं है। यह वीडियो 1 मिनट और 45 सेकंड का है जिसमें सुरेश राणा साफ कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि वायदा तो टूट जाता है लेकिन वहां पर उनका वाक्य पूरा नहीं होता। वो कहते हैं कि वायदा तो टूट जाता है लेकिन भाजपा ने चुनाव में संकल्प लिया है और वो अपने इस संकल्प का अक्सर से पालन करके दिखाएंगे। मतलब वायरल एक्सरे में ये वायरल वीडियो झूठा निकला।
मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लिहाजा सुरेश राणा के बयान को लेकर उठ रहे सवाल भी गलत थे, बल्कि मंत्री ने तो बीजेपी और पार्टी के संकल्प को मजबूती से पूरा करने की बात कही थी। और अब बात एक ऐसे पुलिस वाले की जिसके मुंह में पान मसाला होता है और जुबा पर स्वच्छता की शपथ। इस पुलिस वाले की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दावा है कि ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के मलयाव थाने की है। क्या है इस वायरल वीडियो का सच, देखिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जरूर किसी थाना परिसर की होगी, जिसमें आपको खाकी वर्दी में कई पुलिस कर्मी नजर आ रहे होंगे। ज्यादातर पुलिस वाले वर्दी में हैं, जबकि दो तीन ऐसे भी लोग हैं जो सादे लिबास में खड़े। अब जरा इन पुलिस वालों के बीच सादे लिबास में खड़े इस शख्स को देखिए, जिसके दाहिने हाथ में एक फाइल है, वो पुलिस वालों की तरफ देख रहा है। तो क्या ये किसी थाने में चल रही मीटिंग की तस्वीर है? कोई थानेदार पुलिस वालों को कुछ निर्देश दे रहा है? पुलिस वालों की लापरवाही पर उन्हें फटकार मिल रही है? ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। लोग इस तस्वीर को पान मसाला खाकर स्वच्छता की शपथ दिलाने वाले इंस्पेक्टर के नाम से खूब शेयर कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ सवाल उठने लाजमी थे। पहली नजर में ये थाने में चल रही पुलिस वालों की मीटिंग मानी जा रही है, क्या उसकी सच्चाई कुछ और है? एक इंस्पेक्टर इतनी बड़ी लापरवाही भला कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर पर आरोप है कि वो थाने में सादी वर्दी में पहुंचा, वो स्वच्छता शपथ कार्यक्रम में देर से भी पहुंचा, उसका मुंह पान मसाला से भरा हुआ था, इसी हालत में उसने पुलिस वालों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वायरल एक्सरे की टीम ने सोशल साइट्स पर तेजी से पड़ताल शुरू की। इस वायरल तस्वीर से ही कुछ और जानकारियां मिली। वायरल तस्वीर में दावा है कि यह लखनऊ के मड़ियाव थाने की है। इस तस्वीर में हाथों में फाइल लेकर देखने वाला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर नागेश मिश्रा है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई रखी जाए और वहां पे किसी तरह के पान मसाला या गुटखे का कोई प्रयोग न किया जाए। लेकिन मड़ियाव थाने में जैसे ही निर्देश दिए गए, यहाँ के इंस्पेक्टर ने जब स्वच्छता अभियान के तहत एक बाकायदा साफ सफाई के लिए बैठक बुलाई और उसमें वो कार्यक्रम जब शुरू किया गया, तो उसी दौरान एक सोशल मीडिया में फोटो जारी हो गई। उस फोटो में ये निकल के आया कि इंस्पेक्टर खुद ही पान मसाला खाए हुए थे। उस फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर मड़ियाव जो उस समय थे नागेश मिश्रा, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। हम उसकी हकीकत जानने मड़ियाव थाने आए और इंस्पेक्टर से बात की। तमाम हर बिंदुओं पर हमने पड़ताल की है, तो कई तरह से इस फोटो का असर हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हुई और ये फोटो किन हालात में खींची गई थी और इंस्पेक्टर उस समय क्या कर रहे थे, ये सब हर पहलू को हमने तलाशा खंगाला। हमारी टीम पड़ताल में सबसे पहले पहुंची उस जगह जहां की तस्वीर होने का दावा हो रहा था, यानी मड़ियाव थाने। थाने पहुंचकर सबसे पहले हमने ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की, क्या इस थाने में नागेश मिश्रा नाम का कोई इंस्पेक्टर तैनात था? जानकारी सही निकली। अब दूसरा सवाल था कि क्या इंस्पेक्टर मुंह में पान मसाला चबाते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाने पहुंचा? मड़ियाव इंस्पेक्टर रहे हैं, हमारे साथ हैं, इन्हीं का से जुड़ा हुआ मामला है, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, असल हकीकत क्या है आप हमारे कैमरे पे कि उस फोटो में कितनी दम है? असल हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में श्रमदान और फटिक जो शब्द है ये वर्दी में नहीं, हमेशा सादे में होता है। दिनांक 24/2/17 को जो श्रमदान होना था और जो शपथ लेनी थी, उसके लिए SP ट्रांस गोमती महोदय का आदेश था कि वह सादे वस्त्रों में ही होगा। मैं सादे वस्त्रों में था, मैंने कोई पाल मसाला नहीं खाया था। एक डेली न्यूज है, अखबार है शायद 2-3-4 पन्ने का, उसके एक छायाकार हैं शंभू शरण वर्मा। जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी, शंभू शरण वर्मा जी थाना परिसर में मौजूद थे, उन्होंने फोटो खींची थी। जितना मुझे पता है उसके मुताबिक वो जो उन्होंने एक दो फोटो खींचे थे, वो फोटो उन्होंने व्हाट्सएप के किसी मीडिया ग्रुप में चला दिया
और उस मीडिया ग्रुप में अपने हिसाब से फोटो को अखबार में पेस्ट करके और कल्पना पर आधारित समाचार बना के इस तरह प्रस्तुत किया गया जैसे मैंने कोई अनुशासनहीनता कर दी हो। अपनी सफाई में दारोगा लगातार दलील देते रहे, लेकिन पड़ताल में ये भी जानकारी मिली कि एसएसपी मंजिल सैनी ने दारोगा के खिलाफ एक जांच बिठाई और जांच में वो दोषी पाए गए। मतलब वायरल एक्सरे की पड़ताल में तस्वीर सच निकली। ये तस्वीर लखनऊ के मड़ियाव थाने की ही निकली और तस्वीर में गुटखा पान मसाला चबाने वाले दारोगा का नाम नागेश मिश्रा ही। नागेश मिश्रा के हाथों में जो फाइल अब तक नजर आ रही थी दरअसल उसी में स्वच्छता शपथ का पन्ना था। इंस्पेक्टर नागेश अपने कमरे से सफेद चेकदार टी शर्ट, काले लोअर और हवाई चप्पल पहनकर बाहर आए। इंस्पेक्टर साहब के मुंह में गुटखा भरा हुआ था, इसी हालत में उन्होंने स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब की तस्वीर किसी पुलिस वाले ने चोरी से उतार ली और इसे लखनऊ एसएसपी मंजिल सैनी के पास भेज दिया। बस क्या था, एसएसपी ने फौरन दारोगा को निलंबित कर दिया। मतलब ये भी साफ हो गया कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और पुलिस वालों को सफाई का संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सीख को चंद अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। वायरल एक्सरे में ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाचार प्लस के कैमरे से उन तमाम खबरों की पड़ताल की जाती है जो प्रदेश में इन दिनों सोशल साइट्स पर खूब छाई हुई है। ऐसी एक और खबर, सीएम योगी प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में 102 और 108 एम्बुलेंस कमाई का बड़ा जरिया बन गई है। क्या है यूपी में 102 और 108 एम्बुलेंस के वायरल हो रहे वीडियो का सच, देखिए इस रिपोर्ट। यूपी में एम्बुलेंस पेट भरती है। यूपी में एम्बुलेंस लूट का जरिया बन गई है। घोटाले का अड्डा बन गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, सोशल साइट्स पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एक वायरल वीडियो की वजह से इस तरह की चर्चा सरेआम है। इस वीडियो के जरिए दावा हो रहा है कि 102 और 108 एम्बुलेंस के डीजल को अधिकारी बेच दे रहे हैं और रजिस्टर में गलत जानकारियां भरकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। गलती से भी किसी ने इसका विरोध किया तो उस पर दबाव बनाया जाने लगता है। वीडियो में ये भी दावा हुआ है, ये इटावा से आया है, लिहाजा वायरल एक्सरे की टीम इस वीडियो की पड़ताल में जुट गई। हमारे इटावा संवाददाता को पड़ताल के दौरान कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले जिसमें हर दिन के टारगेट का जिक्र होता था। सुनील ने एक वीडियो हमें दिया, हमारे समाचार प्लस को दिया। समाचार प्लस ने उस वीडियो के आधार पर लोगों से बात की, उस पूरे मामले का खुलासा किया, सारे एविडेंस। सुनील जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने समाचार प्लस को कई सारे सबूत भी दिए इन सारी बातों को लेकर। और इस सारे मामले पर पता लगा कि जो एम्बुलेंस के जो अधिकारी हैं, एम्बुलेंस के अधिकारी ड्राइवरों पर कैसे प्रेशर बनाते हैं कि डेली 20 से 25 आईडी, आईडी का मतलब आपको बता दूं, आईडी है जो 20 से 25 मरीज मतलब फर्जी मरीज, जो मरीज है ही नहीं, उन मरीजों को कैसे वो सिम लेकर फर्जी नंबर से 102 और 108 के कंट्रोल रूम में फोन करके उन मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी मरीजों का पेमेंट स्वास्थ्य विभाग से ले रहे। वायरल पड़ताल के दौरान मिले व्हाट्सएप मैसेज अहम कड़ी साबित हुआ। इटावा के सभी 102 और 108 नंबर वाले एम्बुलेंस कर्मियों का एक ग्रुप चलता है जिसमें हर दिन के टारगेट का जिक्र होता है। हमें पता चला कि ये टारगेट कोई सरकार तय नहीं करती बल्कि अधिकारी तय करते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, असल में खेल तो कुछ और चल रहा होता है। इसमें किसी फर्जी कॉल के जरिए लखनऊ के हेडक्वार्टर में मरीज का नाम रजिस्टर करवाया जाता है। एम्बुलेंस अपनी जगह से हिलती भी नहीं, किसी का इलाज भी नहीं होता, लेकिन सरकार के खाते में बताया जाता है कि एम्बुलेंस मरीज के इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर तक गई है। ये हर दिन चलता रहता है। अब हमने उस ड्राइवर को ढूंढना शुरू किया जिसने इस पूरे वीडियो को बनाया था। हम जल्द ही उस ड्राइवर तक भी पहुंच गए और ड्राइवर ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। उसने ये भी बताया कि कैसे उस पर बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाते हैं। जोड़ के रखा जाता है ताकि कोई भी अगर हमें जिला प्रभारी आदेश देते हैं, विष्णु एंड आशीष सर दोनों लोग जो भी आदेश देते हैं वो डायरेक्ट लड़कों तक पहुंच जाता है। नहीं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या फर्जी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए फर्जी तो होता ही है। इसी पे हमें आदेश दिया जाता है कि आज तुमने 20 केस नहीं किए या
18 आईडी नहीं की तो आप चले जाइए, बैग उठाइए, घर चले जाइए सीधे। मरीज जो होते हैं उन्हें उनका कहना ये होता है कि 20 मरीज एक दिन में दिखाइए, नहीं भी आ रहे हम गाड़ी पर नहीं आ रहे, दो भी ओरिजिनल और दिखा रहे हैं हम 20, तो ये फर्जीवाड़ा कब तक छुपेगा? तो आप आइडिया कहाँ से लाते हैं? आइडिया वही लोग बताते हैं हमें कि कैसे करना है, सारे सुझाव वही देते हैं हमें कि इस तरीके से करो, जानकारी वो सीनियर है हमारे, जानकारी देते हैं उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। वायरल पड़ताल में हमें एक के बाद एक और कई दस्तावेज मिले। हमारे हाथ वो सरकारी रजिस्टर भी लगा जिसे बिना किसी मरीज के इलाज के पूरा भर दिया गया था। हमारी जांच में वायरल वीडियो सच निकला। ये भी साफ हो गया कि जिस एम्बुलेंस के जरिए अधिकारियों को लोगों की जान बचानी थी उसे एम्बुलेंस को पेट भरने का जरिया बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।